हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है एनालिटिक पैराग्राफ। ये क्लास 10 CBSE बोर्ड में न्यू एडेड टॉपिक है। एक इट कंटेन्स 5 मार्क्स, सो इट्स न्यू फॉर स्टूडेंट्स। सो लेट्स डिस्कस वर्ड्स इन दिस। इसमें क्या आएगा चलिए देखते हैं। एनालिटिक पैराग्राफ आपकी ग्रामर पोर्शन का एक पार्ट है जो कि 5 मार्क्स का आएगा। लाइक ऑलरेडी आपको पिक्चर डिस्क्रिप्शन या आउटलाइन स्टोरी इस टाइप का आता था पहले, लेकिन अब ये ग्राफ्स के रूप में, चार्ट के रूप में, डाटा या टेबल्स इस ढंग से आएगा जिसे आपको एक्सप्लेन करना है, एनालाइज करना है। दैट इज एनालिटिक पैराग्राफ। चलिए इसको आगे देखते हैं। एन एनालिटिक पैराग्राफ इज अ फॉर्म डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। एक फॉर्म है ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की, डिस्क्राइब करना है आपको इसको, विच इज रिटन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन चार्ट। और आपको ये किसके आधार पर लिखना है, जो कि आपके क्वेश्चन के अंदर चार्ट दिया होगा, ग्राफ, डाटा या आउटलाइन दी होगी, या क्ल्यूज दिए होंगे, या फिर टेबल फॉर्मेट दिया होगा। उस फॉर्मेट को आपने एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है। When writing an analytic paragraph, one should remember to describe the facts in the best possible manner and to cover the information provided. सबसे बड़ी चीज़ जो आपको एनालिटिक पैराग्राफ में ध्यान देनी है वो ये है कि आपको फैक्ट्स के बारे में लिखना है। फैक्ट्स मतलब जो रियलिटी शो की गई है इन फॉर्म ऑफ दीज फॉर्मेट्स, इस फॉर्मेट्स के अंदर के रूप में, जो भी आपको डाटा दिया गया है उसका रियल फॉर्म में आपको लिखना है। यानी उसके अंदर आप अपनी फिक्शन ऐड नहीं कर सकते, काल्पनिक बातें ऐड नहीं कर सकते, आप अपनी सुजेशंस ऐड नहीं कर सकते। उसको फैक्ट को आपको प्रोवाइड करना है और इस ढंग से कवर करना है कि जो इन्फॉर्मेशन उन डाटाज में दी गई है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा छोटे शब्दों में लिख पाएँ। सो आपको एनालाइज करना है इसे। तो क्या फीचर्स होती हैं इसकी, जो एनालिटिक पैराग्राफ है? सबसे पहले जो इसकी फीचर है, इट डिस्क्राइब द गिवन चार्ट, टेबल, डाटा, ग्राफ्स, क्ल्यूज। ऑब्वियसली आपको डिस्क्राइब करना है, ऑलरेडी टोल्ड यू, इन चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। इट शुड बी ब्रीफ, ये बिल्कुल छोटा होता है। इट्स लिमिट इज 100 to 120 वर्ड्स। सो कॉम्प्रिहेंसिव होता है, बिल्कुल आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है इसके अंदर, उसे विस्तृत में डिस्क्राइब करना है एट द सेम टाइम। यानी कॉम्प्रिहेंसिव तो है लेकिन छोटा भी है, इन्फॉर्मेशन भी देनी है लेकिन छोटे से छोटे ढंग से देनी है। इट शुड स्टेट फैक्ट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय चार्ट। इसमें वही फैक्ट्स होने चाहिए जो कि चार्ट के अंदर डिस्क्राइब किए गए हैं, ग्राफ के अंदर डिस्क्राइब किए गए हैं। आप इसमें अपना एडिशन नहीं कर सकते। इट इज़ नेसेसरी टू मेक यूज ऑफ सिंपल एंड एक्यूरेट लैंग्वेज। आपको जो लैंग्वेज है बिल्कुल सिंपल रखनी है और एक्यूरेट रखनी है, जो कि रैशनल हो, उसे कंसर्न्ड हो टॉपिक के साथ। इट शुड मैंशन फिगर्स एंड क्वालिटी क्वान्टिटीज अप्रोप्रिएटली। तो इसके अंदर जो भी ग्राफ के अंदर जो भी क्वान्टिटीज लिखी हैं, लाइक इट विल बी इन परसेंटेज, 10%, 20%, या ईयर्स हो 1922, 1992 और समथिंग लाइक दैट, तो जो फिगर्स और जो क्वान्टिटीज आपको ग्राफ के अंदर या मैप के अंदर या पाई चार्ट के अंदर डाटा के अंदर दी होंगी एज इट इज़, आपको वो एक्यूरेटली मैंशन करनी है। इट इज़ अप्रोप्रिएट टू यूज़ द सेम टेंस थ्रू आउट द एनालिटिक पैराग्राफ। और एक और चीज़, इसमें जो भी आप टेंस यूज़ करेंगे वो सेम रखें। जनरली वी यूज़ द प्रेजेंट टेंस, सो आपको उसी ढंग से, यानी उसमें कभी आप प्रेजेंट, कभी पास्ट, कभी फ्यूचर इस ढंग से यूज़ नहीं करना। यू ट्राई टू यूज़ इस अप्रोप्रिएटली इन द सेम टेंस में आपको ये बात करनी है। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं इसके बारे में। वो पॉइंट्स क्या हैं? एनालिटिक पैराग्राफ है जो, वो अराउंड 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है, ऑलरेडी टोल्ड यू। सो इट मस्ट बी क्लियर, बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्प लैंग्वेज होनी चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। समझने में प्रॉब्लम हो जिसे तो उसको क्लियरली लिखना है, और कंप्लीट डिटेल है जो चार्ट की उसको देना है। और ये क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का आता है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, यानी आपको इसके कितने पार्ट्स होते हैं और किस ढंग से इसको लिखना है। इस एनालिटिक पैराग्राफ को हम जनरली 3 भागों में डिवाइड करते हैं। वी डिवाइड इन द 3 पार्ट्स। द वेरी फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज बॉडी पार्ट, एंड द थर्ड इज कंक्लूजन। सो लेट्स स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन। इसमें क्या होता है? एक्सप्लेन इन 1 or 2 लाइन्स द सब्जेक्ट ऑफ द गिवन ग्राफ। जो ग्राफ गिवन है उसको आपने
एक या दो लाइंस में ही डिस्क्राइब करना है। जैसे हम लेटर फॉर्मेट में लिखते हैं, वी मेंशन द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट मेंशन क्यों करते हैं लेटर फॉर्मेट में? ताकि लेटर को पढ़ने से पहले ही उसकी उसके पोर्शन के बारे में, उसके सब्जेक्ट के बारे में पता लग जाए कि ये इविल्स के बारे में है, ये स्ट्रीट लाइट्स के बारे में है, ये स्ट्रे डॉग्स के बारे में है, किसके बारे में है, उसकी डिस्क्रिप्शन हमें उससे पता लग जाती है। सेम समथिंग लाइक दैट ओनली, कि जो इंट्रोडक्शन की फर्स्ट टू लाइन्स होती हैं, वन या टू लाइन्स, उससे हमें ये क्लियर हो जाता है पढ़ने वाले को कि आपको इसका मैटर क्लियर है, आपको इसकी जो क्वेश्चन है उसकी समझ लग गई है, आप क्या आगे डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, वो क्लियर होना चाहिए इंट्रोडक्शन से। और इंट्रोडक्शन को ज़्यादा बड़ा नहीं करना, आपको वन या टू लाइंस में ही इसको डिस्क्राइब करना है। अब इंट्रोडक्शन जब स्टार्ट होती है, तो इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ फॉर्मल लाइंस, कुछ फॉर्मल वर्ड्स यूज करने होते हैं। उनमें से कुछ वर्ड्स की एग्जाम्पल्स हैं, लाइक द चार्ट गिवन अबव डिस्क्राइब्ड। अब आपके सामने चार्ट है, आप उस चार्ट को ही एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये एनालिटिक पैराग्राफ है, सो यू एनालाइज इट, आप उसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो आप चार्ट क्या आपको बताता है, इससे शुरू करते हैं। सपोज ये इट इज अबाउट द फीमेल फर्टिसाइड, तो दिस चार्ट गिवन अबव डिस्क्राइब अबाउट द रेशियो ऑफ फीमेल फर्टिसाइड इन कंट्री इंडिया, इंडिया में डिस्क्राइब करता है, फॉर एग्जाम्पल। तो इस ढंग से इस लाइन को शुरू किस अंदाज में करना है, उसके लिए कुछ सुजेशंस हैं। जैसे द चार्ट गिवन अबव डिस्क्राइब्स द टेबल सुजेस्ट, अगर ये टेबल फॉर्मेट है, द लाइन ग्राफ, अगर ये ग्राफ के फॉर्मेट में है, शोज द डाटा गिवन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, अगर डाटा दिया है, देन यू कैन स्टार्ट लाइक दिस, एंड पाई चार्ट इलुस्ट्रेट, और पाई चार्ट क्या शो करता है, एक्सेट्रा। ये सारे आप अपनी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी जो टिप्स हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, वो यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज बॉडी पार्ट, द सेंटर पार्ट ऑफ द पैसेज। एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट द ग्राफ इज अबाउट। आपको एक्सप्लेन करना है इस पार्ट के अंदर कि आखिर ये किसके बारे में है। आपने इंट्रोडक्शन में बताया इसका टॉपिक क्या है, एंड बॉडी पार्ट में आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बारे में डाटा दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं एक ढंग से। सो इसमें आप रेलिवेंट फिगर्स यूज़ करेंगे जो आपको ग्राफ में दी हुई हैं, ट्रेंड्स यूज़ करेंगे, मेक कंपैरिजंस करेंगे, कंट्रास्ट करेंगे, और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपको सब पैराग्राफ में भी डिवाइड कर सकते हैं इसे। द पार्ट ऑफ द एनालिटिक पैराग्राफ शुड बी कंटेन डिटेल्स ऑफ द ग्राफ चार्ट गिवन इन द क्वेश्चन, इट शुड कंटेन ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करनी जो इंपॉर्टेंट है। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू चूज अ सिग्निफिकेंट डिटेल दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द पैसेज। तो इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट डिटेल है उसको इंक्लूड करना मस्ट है, जरूरी है। सो द कंक्लूजन पार्ट इज द थर्ड पार्ट। लास्ट पार्ट क्या होता है? कंक्लूड द पैसेज गिवन ऑफ ओवरऑल व्यू ऑफ द समरी ऑफ द पैराग्राफ। लास्ट में आप ओवरऑल लिखते हैं उसका कि इसके अंदर है क्या चीज, कंक्लूड करते हैं, समरी के रूप में कंक्लूड करते हैं। द इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट। अब जैसे इंट्रोडक्शन थी वो फर्स्ट पैसेज था, दैट शुड डिस्क्राइब द ब्रीफ व्हाट द ग्राफ इज अबाउट। उसमें हम ये बताते हैं कि ग्राफ किसके बारे में है, फीमेल फर्टिसाइज के बारे में, ड्रग्स के बारे में है, स्मोकिंग के बारे में है, एनवायरमेंट के बारे में है, सो फॉर व्हाट इट इज, क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन में या टू लाइन में हम ये डिस्क्राइब करते हैं। इट शुड बी लाइक एन ओपनिंग पैसेज। ऑब्वियसली ये ओपनिंग पैसेज होता है क्योंकि इंट्रोडक्शन है, विच इंट्रोड्यूस द रीडर टू द कंटेंट ऑफ द चार्ट गिवन। ये उसका जो कंटेक्स्ट है उसके बारे में, चार्ट के बारे में बताता है। व्हेन राइटिंग इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ यू नीड नॉट टू गो इनटू डिटेल। तो आप उस टाइम डिटेल में नहीं जाते, लेकिन जो बॉडी पार्ट है उसके अंदर आप डिटेल में जाते हैं, और जो लास्ट पॉइंट है उसमें आप समराइज करते हैं। द लास्ट पैराग्राफ शुड बी समराइज द डाटा मेंशन इंफॉर्मेशन इन जर्नल। आप जर्नल, बड़ी आम भाषा में जनरली आप उस इंफॉर्मेशन को समराइज करते हैं, इकट्ठा करके उसको एक या दो लाइनों में डिस्क्राइब करते हैं। इट शुड बी कंक्लूडिंग इन नेचर। इसकी नेचर कैसी होनी चाहिए? कंक्लूडिंग, इससे पता लग जाए कि अब खत्म होने वाला है, अब कंसाइज कर रहे हैं पर्सनल। बट इसमें एक बात का ध्यान रखना है, एंड एक्ट एज क्लोजिंग स्टेटमेंट। जैसे क्लोज हो रही है स्टेटमेंट, बंद हो रही है, जैसे पैराग्राफ खत्म हो रहा है, सो वो सेंस आनी चाहिए। वन शुड कीप इन माइंड, लेकिन ध्यान क्या रखना है, वन शुड नॉट इंक्लूड एनी पर्सनल ओपिनियन। आप उसमें पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकते, कंक्लूजन या ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकते, आपको फैक्ट्स के साथ ही इसको डील करना है कंक्लूजन में। यानी जैसे हम जर्नली दे देते हैं कि इट शुड बी कंट्रोल्ड, इट मस्ट बी चेक्ड बाय अथॉरिटीज लेटर फॉर्मेट में, या सुजेशन दे देते हैं सिंपल आर्टिकल में, सो यू हैव नॉट टू गिव इन दैट सेंस। तो आप इसमें सुजेशंस नहीं देंगे, आप इसमें फैक्ट्स के बारे में, यानी जो जो डाटा आपका लिखा गया है उसी को ही कंक्लूजन में यूज करके उसको
एंड करेंगे। फॉर कंक्लूजन एंड अदर कनेक्टिंग फ्रेज, अगर आप कंक्लूजन करते हैं तो उसके लिए आपका जो स्टार्टिंग वर्ड होना चाहिए लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, उसके लिए यूज कर सकते हैं। सो लाइक दैट इन कंक्लूजन में भी आप कैसे शुरू कर सकते हैं, ओवरऑल एंड सब्सिक्वेंटली, इन ऑल, इन द नटशेल, फॉर द चार्ट गिवन, इन शॉर्ट, स्ट्राइकिंग चेंजेस, इंक्लूडिंग, देयर फॉर एक्सेट्रा, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं कनेक्टिंग वर्ड, ताकि वो एक लैंग्वेज का इंप्रेशन पड़े और ये क्लियर हो जाए कि नाउ यू आर कंक्लूडिंग, इसको आप एंड कर रहे हैं। इसमें कुछ बातों का और भी ध्यान रखना है, दैट इज़ गुड और इट इज़ स्कोरिंग इफ़ यू विल टेक केयर। यू शुड लुक फॉर द लार्ज डिफरेंसेज दैट आर प्रोमिनेंट। सबसे पहले आपको ग्राफ दिया है, उसमें एक ग्राफ का रेशो 50% है और एक है 500%, तो आपको लार्ज डिफरेंसेज है जो उसे प्रोमिनेंट मेन रखना है, उसे आपने मैंशन करना है। यू कैन मैंशन द आस्पेक्ट विच इज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इन द डाटा गिवन, या छोटे से बड़ा, दैट द सेम थिंग, आपका कोई भी आस्पेक्ट है उसको डिस्क्राइब करना है। एनी आस्पेक्ट That are similar should be mentioned next. और उसके बाद पहले तो आपने बड़े comparison को describe किया, second number पे आप क्या describe कर रहे हैं, similar चीज़ें हैं, जैसे दो देशों की 50% ratio दी हुई है या तीन की दी हुई है, then you mention that. You should further mention about the aspect has remained unchanged and constant throughout. उसके बाद third number पे आप क्या mention करते हैं, वो फैक्ट्स, वो आस्पेक्ट्स जो पैराग्राफ में, सॉरी, जो ग्राफ में, चार्ट में, पाई चार्ट में दिए हुए हैं, जो रिमेंड कांस्टेंट, जो लगातार बने हुए हैं, जिसमें कोई भी चेंज नहीं होता, यानी पहले लार्ज डिफरेंसेस देनी है, छोटे से लेके बड़ा डिफरेंस देना है, दूसरे नंबर पर आप सिमिलर फैक्ट्स देंगे और तीसरे नंबर पर आप वो फैक्ट्स देंगे जो शुरू से लेकर लास्ट तक सेम बने हुए हैं। सो ये ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन है कि आप एक पैराग्राफ को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे उसके अंदर डाटा टर्न वाइज डाल रहे हैं। एक और चीज का ध्यान रखना है इसके साथ साथ, कंपेयरिंग इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली देखिए एक 500 है, एक 50 है, तो उसमें कंपैरिजन तो है ना, ज़्यादा और कम का है। सो इफ द चार्ट मेंशन टू डिफरेंट पार्टीज, फॉर एग्जांपल मैन एंड वोमेन, रेफर टू द बोथ ऑफ देम इन एनालिटिक पैराग्राफ, तो दोनों को मेंशन करना है। इफ देर इज एनी कंट्रास्ट और कंपैरिजन दैट कुड ड्रॉन, यू मस्ट प्रेजेंट इट इफेक्टली। अगर आपको लगता है उसके अंदर कंपैरिजन है तो उसको आपको बड़े प्रभावशाली ढंग से इफेक्टली मेंशन करना है। If the chart is about particular time period or highlights a trend of several years, अगर वो एक खास time like 1992 के बारे में ही है सिर्फ और कुछ भी नहीं है और कोई साल नहीं यूज़ किया गया, highlights trends of several years, या फिर अलग अलग कई सालों के trends को highlight कर रहा है, mention about each year in concise manner, तो basically 92, 93, 94, 95 को आपने concise करके mention करना है, means आपको सारी figures को उसके अंदर use करना है। If any comparison contrast can be done or for two or more years, you could write about it too. अगर दो या तीन बार की है तो वो भी लिख सकते हैं, बट सारी चीजें हैं जो आपको एक्सप्लेन करनी है वो कंसाइज मैनर में ही करनी है। फॉर एस्टेब्लिंग रिलेशनशिप और कंट्रास्ट यूज फ्रेजेज, अब ये कंपेरिजन के लिए जो वर्ड यूज होते हैं, ये आपको इतनी एग्जाम्पल्स दी हैं, यू कैन टेक आउट एनी अकॉर्डिंग टू योर पैराग्राफ। अब अलग अलग टाइप का दिया होगा तो उसी के ढंग से ही लिखना पड़ेगा, तो आप उसमें से कंपेरिजन के लिए जो वर्ड्स यूज कर सकते हैं, इन कंट्रास्ट विद, इन कंपेरिजन टू, बट इन द अपोजिट केस, हाउ एवर, वेयर एज, वेन इट कम्स टू, As opposed to, while, striking difference, noticeable difference, etc. word आप बीच में डाल सकते हैं। These are the vocabulary words, ये आपका impression देते हैं, and it seems कि you are now comparing, now you are concluding, now you are starting the paragraph, so you can learn it, you can keep it in mind while writing. Mentioning quantities, अब उसके अंदर quantities दी हुई हैं, like for example, when including numbers and figures, their accuracy must be ensured. ये नहीं होना चाहिए वहाँ पर 80% लिखा और आप 120% लिख रहे हैं या 100% लिख रहे हैं या whatever, आपको accurately वही ही figure या वही ही quantity use करनी है। There are the number of ways that can be used to describe quantities. बहुत अलग अलग ढंग है, जैसे percentages हैं, fractions हैं और ratios हैं, आपको देखना है किस ढंग से वो दिया है, तो ही लैंग्वेज आपको यूज करना है। डिस्क्राइबिंग क्वालिटीज, यूज वेरियस स्टाइल्स, लाइक अब इसको डिस्क्राइब करने के, क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के अलग अलग स्टाइल होते हैं, लाइक 48% ऑफ,
मेल फीमेल लाइक 1/3 ऑफ लैंड लाइक नियरली 1/4 ऑफ ऑलमोस्ट 80% मेजोरिटी ऑफ या ऑन एवरेज ट्वाइस एज मच उसका दुगना हो गया ऑलमोस्ट इक्वल टू लगभग बराबर द हाइएस्ट द लोएस्ट वेरी क्लोज टू 2% रफली अप्रॉक्सीमेटली 5% ऑफ जस्ट अंडर 3% एक्सेट्रा. ये वर्ड आप कब यूज करते हैं जब आपको क्वांटिटीज मेंशन करनी होती है तो इनमें से कोई भी वर्ड आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अकॉर्डिंग टू आपके क्वेश्चन के यूज कर सकते हैं. एक होते हैं इंटरलिंक्ड वर्ड यानी जब आप दो सब चीज़ों को जोड़ते हैं या उसको एक्सप्लेन करते हैं कनेक्ट करते हैं तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि आपको कनेक्ट कैसे करना है सेंटेंसेस को. डिफरेंट इंफॉर्मेशन और आइडियाज आर देयर अलग अलग डिफरेंट इंफॉर्मेशन और आइडियाज दिए होते हैं पैसेज में. यू शुड यूज आपको यूज करना है कनेक्टर्स को लिंकिंग फ्रेजेस को टू लिंक देम लॉजिकली और उनको लॉजिकली लिंक करना है बड़े रैशनली उनको लिंक करना है. द सेंटेंसेज और पैराग्राफ शुड बी सिक्वेंटल ये सिक्वेंस में होना चाहिए एंड कनेक्टेड रैशनली और आपस में जो ये जुड़े तो रैशनली जुड़े. फॉर डिस्क्राइबिंग ट्रेंड्स यूज फेजेज और वर्ड्स लाइक अब आप इस तरह के ट्रेंड्स को कैसे कौन से फ्रेज यूज करेंगे इसके लिए लाइक पैटर्न ऑफ ग्रोथ रैपिडली डबल स्काई रॉकेटेड स्ट्राइकिंग इंक्रीजिंग जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है प्राइस पीक टॉप पे चली गई है सोरिंग रेट हाई प्राइसेस मीन्स डिक्लाइन गिर गए हैं एंड प्लम्पटेड लेवल्ड ऑफ ये सारे जो वर्ड्स यूज किए गए हैं ये बढ़ने और घटने की सेंस में यूज किए गए हैं. तो ये कनेक्टिंग वर्ड्स हैं एक ढंग से सेंटेंसेस को कनेक्ट करने वाले आप इस ढंग से इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं. चलिए अब एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ लग जाए. द पाई चार्ट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल फ्रॉम डिफरेंट हाउस होल्ड्स लिविंग इन द पॉवर्टी इन यूके. अब हमें इस पैराग्राफ से इस लाइन से क्या पता लगा कि यहाँ पर कुछ पीपल की पॉवर्टी के बारे में जो हाउस होल्ड लोग हाउस होल्ड हैं यानी घर हैं जो उनके अंदर अलग अलग लोग हैं तो उन किस टाइप की पॉवर्टी के बारे में कुछ बात की है गरीबी के बारे में बात की गई है. राइट एन एनालिटिक पैराग्राफ टू डिस्क्राइब द इन्फॉर्मेशन इन 100 to 120 वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब करना है. तो ये हमें पाई चार्ट दिया गया है यहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल फ्रॉम ईच हाउस होल्ड टाइप लिविंग इन पॉवर्टी. अब प्रोपोर्शन भी रखा है उन्होंने परसेंटेज दे रखी है देखिए तो इसमें कलर दे रखा है यू नो हाउ टू डू इस आपने मैथ्स में किया होगा ये पहले. जैसे सिंगल एज्ड पर्सन जो सिंगल एज्ड पर्सन है एज्ड कपल हैं सिंगल पर्सन है जिनके बच्चे नहीं हैं कपल हैं जो बच्चों के साथ सोलो पेरेंट्स हैं एक ही माँ बाप हैं जैसे मम्मी या पापा में से सो कपल विद द पेरेंट्स सो ऑल हाउस होल्ड तो इसका रेशो दिया हुआ तो हम देखें तो 26% सिंगल एज पर्सन सबसे ज़्यादा है एंड 5% इज एज्ड कपल सबसे कम है. तो ये बिग और स्मॉल का कंपेरिजन हो गया एक ढंग से एंड 24% उसके बाद में आता है. सो लेट्स सी हाउ टू एक्सप्लेन. पहला हमारा था इंट्रोडक्टरी पार्ट जिसे हमें एक या दो लाइनों में देना था जिसे हमारा टाइटल पैराग्राफ का है वो क्लियर हो जाए. तो देखिए द गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट सेवरल डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हाउस होल्ड्स लिविंग इन द पॉवर्टी इन यूके इन 2002. तो 2002 में लोग कैसे गरीबी में रहते थे उसके अकॉर्डिंग हाउस होल्ड की कैटेगरीज दे रखी है यहाँ पे. तो लाइक दिस लाइन इज फ्रॉम योर स्टेटमेंट ओनली यू कैन पिक फ्रॉम हियर एज इट इज सो इट्स वेरी इजी टू राइट जस्ट यू हैव टू यूज सम ट्रिक्स नथिंग एल्स. चलिए आगे करते हैं हमारा बॉडी पार्ट आ गया है. इट इज क्लियरली एविडेंट फ्रॉम अब देखो ये स्टार्टिंग में एक सोफिस्टिकेटेड लाइन वर्ड्स यूज किए गए हैं सो यू नीड टू पुट द एम्फेसाइज ऑन दीज गुड वर्ड्स जैसे मैंने पहले भी बताए तो उनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं. इट इज क्लियरली एविडेंट बिल्कुल स्पष्ट है पाई चार्ट से क्या स्पष्ट है 26% ऑफ टोटल पॉवर्टी स्टिकन हाउस होल्ड आर दोज ऑफ सोल पेरेंट्स. अब मैंने आपको बताया था इसमें सबसे पहला है जो ब्लू ये सबसे हाईएस्ट है तो उन्होंने वो मेंशन किया है कि जो सोल पेरेंट्स है वो 26% है डाटा है एक्यूरेट डाटा है इसके अंदर जैसे एक्यूरेट डाटा होना चाहिए. सिंगल पीपल विदाउट चिल्ड्रन अकाउंट फॉर द सेकेंड हाइएस्ट प्रपोर्शन विद 24%. अब सेकेंड हाइएस्ट कौन से हैं 24% ये कौन से हैं सिंगल विदाउट चिल्ड्रन दो मेंशन हो गए इन कंट्रास्ट ऑफ कपल्स. अब इन कंट्रास्ट यानी कंपैरिजन किया गया है ये वर्ड यूज करना इन कंट्रास्ट टू अब इसका कंट्रास्ट किसके साथ किया गया है उन्होंने चिल्ड्रन दैट अकाउंट्स फॉर जस्ट 9% वो वाले मतलब बच्चे हैं जो पर्पल कलर में कौन सा दिया गया है कपल विदाउट चिल्ड्रन जो कि बच्चों जो कपल हैं बच्चों के बिना है. अब इसका इसका कंट्रास्ट बनता है सो यू नीड टू मेंशन इन दैट वर्डिंग ओनली कि इसको दिया गया है सिंगल एज्ड पर्सन्स
एंड एज्ड कपल प्रपोर्शन फॉर 12% टुगेदर फॉर द हाउस होल्ड. अब सिंगल एज्ड और एज्ड कपल्स का 12% के अकॉर्डिंगली उन्होंने बताया गया है यहाँ पर. सो उसको मेंशन किया हुआ है. आगे हमारा आ गया कंक्लूडेड पार्ट. कंक्लूडेड पार्ट के स्टार्टिंग में हमें कंक्लूडेड वर्ड लिखना था, तो दे यूज ओवरऑल. ओवरऑल 14% ऑफ ऑल हाउस होल्ड ऑफ यूके वर लिविंग अंडर पॉवर्टी. अगर 14% है वो है अंडर पॉवर्टी में जो रह रहे हैं ओल्ड हाउस होल्ड. कंक्लूडेड है तो ओल्ड हाउस होल्ड में कंक्लूजन वाला आ गया. बी आई सी के अंदर ही हुआ है. यू हैव टू जस्ट फ्रेम द लाइन. द यंग जनरेशन हैड अ ग्रेट पुअर परसेंटेज देन द एज काउंटर पार्ट. सो यंग जनरेशन ज्यादा पॉवर्टी में रह रहा है, उसकी बजाय कपल्स विदाउट द चिल्ड्रन हैड बेटर इकोनॉमिक. अब इसमें लास्ट में कंक्लूजन क्या है कि हम जो कपल विद चिल्ड्रन है, ये देखिए कपल विद चिल्ड्रन है, वो ज्यादा बेटर हैं इकोनॉमिक कंडीशन देन दोज विद चिल्ड्रन, उनसे उनकी बजाय जो कि बच्चों के साथ हैं. सो ये विद चिल्ड्रन है, ये विदाउट चिल्ड्रन है. दिस इज 9% एंड दिस इज 14%. सो दे आर बेटर देन दिस दे आर सेइंग. तो इन्होंने कंपैरिजन में ये ओवरऑल कंक्लूड किया है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द पैराग्राफ वेरी वेल. दिस इज वेरी इजी टॉपिक, वेरी स्कोरिंग. 5 में से आप 4, 4.5 इजिली ले सकते हैं. यू हैव टू जस्ट चूज सम वोकैब और आपको फिगर जो डाटा है वो एक्यूरेटली यूज करना है.